Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. यूक्रेन से कनाडा आने वालों को हुकूमती वादों के बावजूद मुश्किलात का सामना। हुकूमत ने जंग से निकलने वाले यूक्रेनियों के लिए तेज़ी से काम करने का वादा किया था। यकम जनवरी से अब तक 7,400 यूक्रेनी कनाडा पहुंच चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पहले एनडीपी वजीर आजम बन गए। कंजर्वेटिव रहनुमा का कहना है कि मुहाइदे से वाजे होता है कि लिबरल्स ने अपने वोटर्स को मुस्तरद कर दिया है। कनाडा बदतरीन मुआशी एजेंडे का सामना कर रहा है। कनाडा भर में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। माहिरीन का कहना है कि गंदे पानी की निगरानी से कोविड सूरत हाल का पता चला। अगले चंद हफ्ते या दिन बहुत अहम होंगे। रूस एटमी जंग की धमकियों से बाज रहे। नेटो चीफ का कहना है कि इसमें किसी की जीत नहीं होती। नेटो के मुताबिक यूक्रेन हमले में 15,000 रूसी फौजी हलाक हुए। प्यूतिन का कहना है कि कुदरती गैस की कीमत डॉलर यूरो में नहीं रूबल में लेंगे। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज ने जेल में शादी कर ली। जेल में मुनक्किदा शादी की तकरीब में 4 मेहमान और सिर्फ 2 गवाह शरीक हुए। जूलियन असांज बरतानिया की जेल में 2012 से कैद की सजा काट रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार की इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की? तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 यू आर इन गुड with all state. ऑटोवा की तरफ से तेज़ रफ्तारी के वादे के बावजूद कनेडियन कनेक्शन वाले यूक्रेनी वीज़ा हासिल नहीं कर सकते, जिनमें बड़ी तादाद उन यूक्रेनी बाशिंदों की है जिनका ताल्लुक कनाडा से है या उनके अलखाना या रिश्तेदार कनाडा में हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओटावा की तरफ से तेज़ रफ्तारी के वादे के बावजूद कैनेडियन कनेक्शन वाले यूक्रेनी वीज़ा हासिल नहीं कर सकते, जिनमें बड़ी तादाद उन यूक्रेनी बाशिंदों की है जिनका ताल्लुक कनाडा से है या उनके अहले खाना या रिश्तेदार कनाडा में है। 3 हफ्ते कबल यूक्रेन के लिव्यू में अपने घर से फरार होने के बाद से गैर मुल्की कैनेडियन माइक ऑलरी अपने बेटे, बीवी और उसके वालदैन के साथ पोलैंड के एक गाँव में एक रिश्तेदार के घर में छुपे हुए हैं। एडमिंटन के साबिक खिलाड़ी अपने पूरे खानदान को अल्बर्टा में अपने आबाई शहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि कनाडा की हुकूमत के इस अहद के बावजूद कि वो जंग से फरार होने वालों के लिए फास्ट ट्रैक वीजे हासिल करेंगे, अपने यूक्रेनी ससुरालियों की जानिब से विजिटर वीजे के लिए दरख्वास्त देने के लिए रुकावट पैदा हुई है। इस वक्त इमिग्रेशन, पनागुजीनों और शहरियत कनाडा के डेटाबेस में यूक्रेनियों की तादाद 4,582 बकाया दरख्वास्तें मौजूद हैं। कनाडा यूक्रेन अथॉरिटी फॉर इमरजेंसी ट्रैवल का ऐलान 3 मार्च को किया गया था और 2 हफ्ते बाद मुतारिफ कराया गया था, जिसमें यूक्रेनियों और उनके अहले खाना को कनाडा में दाखिले के लिए मुफ्त तौसीई वीज़े की पेशकश की गई थी। इस इकदाम से यूक्रेनी पनागुजीनों को 3 साल का वीज़ा दिया गया है, जिसमें खुले वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त देने का इख्तियार है। एक मयारी केस पर कार्रवाई करने के लिए 14 दिन तक की ज़रूरत होगी। इमिग्रेशन, महाजरीन और शहरियत कनाडा की तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत इस वक्त यूक्रेनियों को कनाडा पहुंचने में मदद देने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। हमने दरख्वास्तों के बढ़ते हुए हजम की तवक्को में खत्ते में अपनी ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा किया है। इसमें अमले की मुंतकली और इजाफी सामान और साजो सामान, मसलन मोबाइल, बायोमेट्रिक कलेक्शन किट्स,
मुंतकिल करना शामिल है। जिस दिन रूसियों ने यूक्रेन पर हमला किया, IRCC ने कनाडा में हिजरत, तालीम या काम करने के ख्वाहिशमंद यूक्रेनियों के साथ साथ कनाडा में यूक्रेनियों की हिमायत का ऐलान किया जो इस पर रहना चाहते थे। हुकूमत मुस्तकिल रहाइश के लिए खानदानी इत्तेहाद की कफालत के रास्ते पर भी काम कर रही है जो आने वाले हफ्तों में तैयार हो जाएगा। मजमूई तौर पर हुकूमत का कहना है कि 1 जनवरी से अब तक 7,400 यूक्रेनी कनाडा पहुंच चुके हैं। कनाडा के अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव ने रहनुमा पियर पॉलिवर का कहना है कि ट्रूडो कनाडा के पहले NDP वजीर आजम बन गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव के रहनुमा पियर पॉलिवर का कहना है कि ट्रूडो कनाडा के पहले NDP वजीर आजम बन गए। कंजर्वेटिव MP और अपोजिशन की क्यादत के लिए उम्मीदवार पियर पॉलिवर ने NDP लिबरल गवर्निंग पैक्ट को मखलूत हुकूमत करार देते हुए कहा कि NDP की नुमाइंदगी काबीना की मेज पर होती है लेकिन वो सर पर बैठती है। उनका कहना है कि एक NDP वजीर आजम है जिसका नाम ट्रूडो है जो लिबरल की रिवायती इकदार से बहुत दूर है। इस मुहाइदे से वाजे होता है कि लिबरल्स ने अपने वोटर्स को मुस्तरद कर दिया है। पॉलिवर ने बढ़ते हुए अखराजात और ज्यादा टैक्सों के वादों की तरफ इशारा किया और इस सबूत की तरफ इशारा किया कि लिबरल NDP के प्लेटफॉर्म पर मुकम्मल तौर पर काम कर चुके हैं और अब इस मालियाती समझदारी को पीछे नहीं छोड़ेंगे जिसके लिए लिबरल पार्टी कभी मशहूर थी। अब हमारे पास कनाडा की तारीख का सबसे ज्यादा बुनियाद परस्त और खराब मौशी एजेंडा है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और NDP के रहनुमा जगमीत सिंह के दरमियान होने वाले मुहाइदे में तमाम अद्वियात के मरकजी खरीदार के तौर पर वफाकी हुकूमत के साथ एक वसी आलमगीर नुस्खे की दवाइयों के मनसूबे का खाका पेश किया गया है। कैनेडियन तकरीबन $36 बिलियन हर साल नुस्खे की अद्वियात पर खर्च करते हैं जिसके अखराजात हर साल बढ़ते हैं। हुकूमत का ये खर्च ऐसे वक्त में उठाना जब कर्ज और खसारे की सतह पहले ही रिकॉर्ड सतह पर है वफाकी किताबों पर और भी ज्यादा दबाव डालेगा। गंदे पानी के आदाद शुमार की निगरानी से पता चलता है कि कनाडा में कोविड के केसेस एक बार फिर बढ़ रहे हैं जबकि सूबों ने सेहत आमा की पाबंदियों में नरमी की है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गंदे पानी के आदाद व शुमार की निगरानी से पता चलता है कि कनाडा में कोविड के केसेस एक बार फिर बढ़ रहे हैं जबकि सूबों ने सेहत आमा की पाबंदियों में नरमी की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑन्टेरियो, अल्बर्टा, सैस्कीचुआन और ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ हिस्सों में दोबारा कोरोना जन्म ले रहा है। माहिरीन का कहना है जिन इलाकों में कोविड पाबंदियाँ कम की गई हैं वहाँ केसेस में इजाफा हो सकता है। अगले चंद हफ्ते या दिन बहुत अहम होंगे। माहिरीन का कहना है कि गंदे पानी की निगरानी COVID-19 के रुझान से बाखबर रहने और मुस्तकबिल में फैलने वाली वबा की पेशन गोई के लिए एक मौसर जरिया साबित हुई है। माहिरीन के मुताबिक जब आप गंदे पानी की निगरानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये एक ऐसा टूल है जो आपको बहुत जल्द ये पहचानने में मदद करता है कि लोग बीमार होने से पहले वहाँ कितनी कम्युनिटी सरगर्मियाँ होती हैं। माहिरीन का कहना है कि गंदे पानी के इशारे रिपोर्ट शुदा इन्फेक्शन के साथ टेस्टिंग के जरिए मुंसलिक होते हैं लेकिन वो इस बात की ज्यादा दुरुस्त और मुकम्मल तस्वीर पेंट करते हैं कि COVID-19 हकीकत में कम्युनिटी में किस कदर आम है। PHAC की तर्जुमान ने अपने बयान में कहा गंदे पानी की जांच COVID-19 से मुतालिक इलाकों के सही अंदाजे फराहम करती है खास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में जब क्लिनिकल टेस्टिंग के वसाइल कुछ इलाकों में महदूद हो सकते हैं। रूस के सदर प्यूतिन की जानिब से कुदरती गैस की कीमत डॉलर और यूरो के बजाय रूबल में लेने का ऐलान सामने आया है। नेटो चीफ का कहना है कि जंग को यूक्रेन तक महदूद रखना इंतहाई जरूरी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस के सदर प्यूतिन की जानिब से कुदरती गैस की कीमत डॉलर और यूरो के बजाय रूबल में लेने का ऐलान सामने आया है। प्यूतिन का कहना है कि कोई वजह ही नहीं कि अमरीका यूरोप को अशिया दे और कीमत डॉलर या यूरो में लें। रूसी सदर का कहना था कि गैर दोस्त ममालिक को पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख रूबल्स में करेंगे। नेटो के सरबरा स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि रूस एटमी हथियारों की धमकियां देने से बाज रहे। एटमी जंग में किसी की जीत नहीं होती। ब्रसेल्स में नेटो समिट से खिताब करते हुए स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नेटो यूक्रेन की हिमायत करता है लेकिन जंग का हिस्सा नहीं है। इस जंग को यूक्रेन तक महदूद रखना इंतहाई जरूरी है। स्टोल्टनबर्ग ने रूस की हिमायत करने पर चीन और बेलारूस पर तनकीद की और कहा कि नेटो ममालिक से उम्मीद रखता हूँ
वो चीन को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए गए तो जंग की नौइयत बदल जाएगी। नेटो ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले में एक माह के दौरान 7,000 से 15,000 रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। नेटो की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रूस के यूक्रेन पर हमले को एक माह हो चुके हैं और इस दौरान रूस के 7,000 से 15,000 फौजी हलाक हो चुके हैं जबकि सैकड़ों जख्मी हैं। रूस ने मार्च में अपने 500 फौजियों के हलाक होने का ऐलान किया था, ताहम उसके बाद कोई आदाद व शुमार जारी नहीं किए गए। यूक्रेन के सदर ने दो हफ्ते कबल 1300 यूक्रेनी फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। दूसरी जानिब यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूसी बमबारी से रूसी सहाफी हलाक हो गई। खातून सहाफी अपने इदारे की जानिब से रूसी हमले की कवरेज के लिए कीव में मौजूद थी। अमरीका की जानिब से रूसी सिफारतकारों का निकाले जाने के रद्द अमल में रूस ने मुतादित अमरीकी सिफारतकारों को मुल्क से बेदखल करने का ऐलान किया है। ताहम कितने अमरीकी सिफारतकारों को रूस बदर किया जाएगा उनकी तादाद नहीं बताई। बरतानिया की जेल में कैद जूलियन असांज ने अपनी मंगेतर स्टेला मॉरिस से शादी कर ली। जूलियन असांज की बीवी उनसे उम्र में 12 साल छोटी हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। विकी लीक्स के बानी जूलियन असांज ने जेल में शादी कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानिया की जेल में कैद जूलियन असांज ने अपनी मंगेतर एस्टेला मॉरिस से शादी कर ली। जूलियन असांज की बीवी उनसे उम्र में 12 साल छोटी हैं। जूलियन की शादी में दो जेल अहदेदारों और दो गार्ड्स ने शिरकत की। इंटरनेट पर खुफिया मालूमात जारी करने वाली वेबसाइट विकी लीक्स ने ट्विटर पर एस्टेला मॉरिस की जेल के बाहर जमा होने वाले सहाफियों और हामियों से मुख्तसर तौर पर खिताब करते हुए फुटेज शेयर की गई। एस्टेला को निजी तकरीब के बाद शादी का केक काटते देखा जा सकता है। अपनी जिंदगी के इस बड़े दिन उन्होंने रिवायती मगरबी सफेद लिबास जेबतन किया जिस पर कुछ अल्फाज भी तहरीर थे जिनमें बेलगाम बहादुर और आजाद पायदार मोहब्बत जैसे अल्फाज शामिल थे। इस मौके पर जेल के बाहर एस्टेला ने अपने मुख्तसर खिताब में बताया कि वो इस वक्त दुख और खुशी के मिले जुले जज्बात से सरशार है। मैं जूलियन से दिलो जान से प्यार करती हूँ, काश वो यहाँ मेरे साथ होते। जूलियन तकरीबन एक दहाई कबल अमरीकी फौज के कई तहलका खेज खुफिया रिकॉर्ड सिफारती रास मंजर आम पर लाए थे जिन्हें विकी लीक्स का नाम दिया गया था। जूलियन बरतानिया की जेल में 2012 से कैद की सजा काट रहे हैं। उन्हें बरतानवी अदालत ने जमानत के कवानीन के खिलाफ वर्जी पर कैद की सजा सुनाई थी। अमरीका ने 2010 और 2011 में कौमी राज अफशा करने के जुर्म में जूलियन की हवालगी के लिए बरतानिया से दरख्वास्त कर रखी है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। टैग टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी।